दोस्तों, आज हम Redmi 9A मोबाइल का फ्लैशिंग करने वाले हैं। अधिकतर YouTube पे जितना भी वीडियो दिया हुआ है, कहीं ना कहीं आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी। तो सबसे पहले ये जो हमारा जो 3 फाइल है, उसको आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो माथा कचरा ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो MI का जो टूल है, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आप जो SP फ्लैश टूल है का जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेनी है। इस पर क्लिक करते ही आपको इस टाइप का शो करेगा। तो हमें DAW फाइल सेलेक्ट करना है, तो चूज़ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही चूज़ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने डायरेक्ट फाइल खुलेगी। उसमें हमें DAW फाइल को सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हमें स्केटर फाइल को डाउनलोड कर सेलेक्ट करना है। उसके लिए आप जहां पर अपना फाइल रखे हुए हैं, वहां से आप स्केटर फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो स्केटर फाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हूँ केदारनाथ बाबा मोबाइल रिपेयरिंग चैनल के तरफ से। तो हमारे इस सुंदर से वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही भाइयों को प्रॉब्लम आ रही थी। YouTube पे जितना भी दिया हुआ है, सब सही है, लेकिन बताने का उनका तरीका सही नहीं है, जिससे जो नए बंदे हैं उनको ये समझने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा फाइल लोड हो रहा है। प्लीज़ पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। 100% सॉल्यूशन है दोस्तों ये। तो देख सकते हैं हमारा वीडियो, हमारा फाइल जो है वो डाउनलोड हो रहा है। तो हमारा फाइल इसमें फ्लैश टूल में डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। अब सिंपली सा हमें इसमें कोई एक्शन नहीं लेना है, कहीं पर डाउनलोड पर क्लिक नहीं करना है। हमें सिंपली सा अपना जो MCT MTK टूल है, इसको ओपन कर लेना है दोस्तों। क्या है, Redmi 9A में एक ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी रहती है, जो जब तक के नहीं हटेगी तब तक के आपका फ्लैश नहीं होगा। तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, इसमें आपको कहीं पर भी कुछ नहीं करना है। सिंपली सा आपको जहां पर ये बाईपास दिखाई दे रहा है, बाईपास पे आपको सिंपली से एक क्लिक करना है। बाईपास पे क्लिक करने के बाद मोबाइल का जो अप और डाउन की है, उसको प्रेस करके आपको केबल इंसर्ट कर देनी है। केबल इंसर्ट करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, इसमें प्रोटेक्शन डिसेबल्ड हो चुका है। जो हमारा ऑथेंटिकेशन था वो डिसेबल हो चुका है। तो इसके बाद हमें चलना है अपने SP फ्लैश टूल पे, जो हमने मिनिमाइज करके रखा हुआ है नीचे में, उसको ओपन कर लेना है। यहाँ से सिंपली सा आपको डाउनलोड पे बटन पे क्लिक कर लेनी है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग में ही आपको एरर देखने को मिलता था, लेकिन हमारा ये स्टार्ट हो चुका है और फॉर्मेट हो रहा है। और देख सकते हैं हमारा येलो वाला लाइन भी चालू हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। देख सकते हैं मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है दोस्तों, थोड़ा टाइम लगता है इसको होने में। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो बोल के मैंने इस पर फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, हेल्पफुल जो भी है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड। तो 51% हो गया है, आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट फ्लैशिंग हो रहा है दोस्तों। और आपको डाउट है, लास्ट वीडियो तक देखिए, पूरा कंप्लीट राइट फ्लैशिंग हो जाएगा दोस्तों। इसमें कहीं पर भी आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सभी फाइलें डाउनलोड कर लीजिएगा, जो
तीन फाइलें दी हुई है, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद जैसा जैसा मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है सेम प्रोसेस आपको वैसा ही करना है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, देख सकते हैं पूरा डाउनलोड होके हो गया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग के साथ।